कल का टेस्ट तुम लोगों ने दे दिया होगा, तुम लोगों को मार्क्स भी मिल गए होंगे जैसे आप लोगों ने सबमिट किया होगा टेस्ट पेपर को। अच्छा था बेटा पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम बात करेंगे ओजोन की। अपन ने यस्टरडे को मतलब सैटरडे को हम लोगों ने स्टार्ट किया था ओजोन को, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओजोन। बेटा ओजोन को O3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O3 बोलते हैं ओजोन को। और बेटा ओजोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ रखी है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है या ऐसे बनाता, इसके पास वन लोन पेयर, इसके पास टू लोन पेयर और इसके पास थ्री लोन पेयर। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है वो हम लोगों ने ओजोन की पढ़ रखी है बच्चों। और ओजोन जो है बेटा वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, आपको ये सब कुछ पता है और बता रखा है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात की थी ऑक्सीजन से हम ओजोन बनाते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हैं। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब यहाँ पे बच्चों साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों करवाते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन ना होके एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर डेल एच की जो वैल्यू होती है वो बच्चों पॉजिटिव होती है। डेल एच की पॉजिटिव वैल्यू कितनी होती है? 142 किलो जूल पर मोल। मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों ये बात ध्यान रखना, मोस्टली रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती हैं, कुछ रिएक्शन ही एंडोथर्मिक होती हैं बेटा। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे डेल एच मतलब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, और सबको पता है बेटा एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एंथैल्पी चेंज बच्चों नेगेटिव होता है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। बात समझ में आ रही है? एंथैल्पी चेंज यदि पॉजिटिव होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों, और एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है बेटा वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस बात को समझने की कोशिश करना, क्लियर? तो ये लोग आप लोग नोट कर लो, शायद ही मैंने यस्टरडे भी करवा दिया था। लिख लो। ठीक है बच्चों, ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन। बेटा ओजोनाइड ऑक्सीजन क्या होता है? बेटा ज्वाइन फास्ट, आज मुझे पता है तुम्हारी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बट यू हैव ज्वाइन फास्ट। सब बच्चे ऑनलाइन आ जाओ बेटा।
क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ओजोनाइड ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? लिख लो, नाइन्टी टू 95% मिक्सचर होता है बेटा ये, 90 to 95% O2 का मिक्सचर और 10 to 5% O3 का मिक्सचर जो होता है उसको हम बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। बच्चों 90 to 95% मिक्सचर ऑक्सीजन का और 10 to 5% मिक्सचर ओजोन का, उस मिक्सचर को बेटा हम ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं। एंड लिख लो, ओजोनाइड ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन बाय, बेटा जो ओजोनाइड ऑक्सीजन होता है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग बताओ? इसको ऑब्टेन करने के लिए बेटा फ्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, फ्लोरीन प्लस वाटर। बेटा फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो बनता है HF+O2। ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। फ्लोरीन की रिएक्शन HF के साथ करवाएंगे बेटा तो बनेगा, सॉरी फ्लोरीन की ऑक्सीजन वाटर के साथ, फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे बच्चों तो बनेगा HF and O2। फर्दर बच्चों हम F2 की रिएक्शन वापस से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ करवाएं, मान लो H2 की रिएक्शन हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाएं बेटा तो HF+O3 भी बनता है। क्या बनता है? HF+O3। ये जो मिक्सचर होता है बेटा इसी को हम ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं, ये वाला। फ्लोरीन और वाटर की रिएक्शन करवाने से बेटा ओजोनाइड ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्लियर? मिटा दो बेटा। तो फ्लोरीन और वाटर की रिएक्शन करवाने से बेटा ओजोनाइड ऑक्सीजन बनता है। ओजोनाइड ऑक्सीजन क्या होता है? ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है बेटा, ठीक है। अब लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों तो प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो लिख लो, प्योर O3 इज पेल येलो कलर गैस, ठीक है। पेल येलो कलर गैस होता है बेटा, सॉरी ब्लू कलर गैस होता है, येलो नहीं ब्लू, ब्लू कर लो, पेल ब्लू कलर गैस। लिक्विड ओजोन बच्चों, लिक्विड ओजोन जो होता है वो होता है आपका, किस कलर का होगा? डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। पेल या ब्लू मतलब हल्का ब्लू होता है। और बच्चों सॉलिड O3 जो होता है वो आपका होता है बेटा वॉयलेट ब्लैक, बैंगनी काला, यू नो वॉयलेट ब्लैक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा,
ये प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों ओजोन की, ठीक है। अब लिखो स्टार बना के, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। बेटा पानी में ओजोन गैस बहुत कम घुलता है और ओजोन गैस को पानी में बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट हाईली सोल्यूबल इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, बस आपको एक बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें समझाने वाले भी कोई बात नहीं है भाई, किसी गैस का कलर जैसा होता है वैसा होता है, उसमें समझाने वाले कोई बात भी नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में? मिटा दो, टेक ए स्क्रीनशॉट बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखता हूं, वाई ओ थ्री एट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बच्चों ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन भी है, तो आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और आपका क्या नाम है टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ओ थ्री बेटा, बेटा ओ थ्री जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑक्सीडाइजिंग बिहेव क्यों करता है? तो याद करो HNO3 की अपन ने बात की थी, HNO3 के केस में मैंने क्या बताया था, बेटा नेसेंट ऑक्सीजन बनता है और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन HNO3 भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था बच्चा, और वो HCl के साथ मिलके तो एक्वारेजिया बना रहा था, और एक्वारेजिया जो होता है बेटा वो तो इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि गोल्ड जैसे नोबल मेटल को, प्लेटिनम जैसे नोबल मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको मेल्ट कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर क्या लिखेगा, वो सेम आंसर लिख लो, बच्चों ओजोन जो होता है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है बेटा, यू नो, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बच्चों ये बहुत ही खतरनाक आइटम है, समझ गए? प्रियंका, मीना, लोकेश, शिवानी, गोविंद, अमन, क्या हाल चाल है बच्चों तुम्हारे? बारिश वारिश हुई क्या तुम्हारे? नहीं हुई? हमारे तो नहीं हुई यार अजय बेटा, थोड़ा हमारे साइड में भेज दे बारिश, कोई नहीं। बच्चों ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, तो याद रखो कुछ मॉलिक्यूल जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो उनका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है। तो लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। आगे आंसर लिख देना, जोड़ देना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन O3 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना तो लिख लोगे ना बच्चों, बच्चों इतना तो लिख लोगे ना बच्चों। आगे तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बनने की वजह से बच्चों O3 जो होता है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब देखो कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लिख लो, इट ऑक्सीडाइज
के आई इंटू आयोडीन। बेटा ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, क्या कर देता है, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, करवा दो रिएक्शन। के आई प्लस ओ थ्री प्लस वाटर, थोड़ा एक्वा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड होता है बच्चों, तो उसको लिक्विफाई करने के लिए आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और मेरे पास बन के निकलेगा के ओ एच प्लस आई टू। क्या बन के निकलेगा बेटा, के ओ एच प्लस आई टू, और साथ में बनेगा ऑक्सीजन गैस। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, दो से तीन बार जेईई ने पूछा है इसको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि पोटेशियम आयोडाइड को कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में। और लिख लो, मिटा दो। बच्चों इसके अलावा इसकी और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं बेटा, ये कितना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, लिख लो। इट ऑक्सीडाइज आयोडीन, इट ऑक्सीडाइज आयोडीन इंटू टेट्रा आयोडीन नैनो ऑक्साइड, टेट्रा आयोडीन नैनो ऑक्साइड। बच्चों ये आयोडीन को I4O9 में भी ऑक्सीडाइज कर देता है। बैलेंस तो कई लोगे, तुम लोग समझदार हो, तो कुछ सीन ये हो जाता है बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? चलो इसके अलावा और भी रिएक्शन है, आयोडीन की रिएक्शन आप करवा दो वाटर के साथ, और ले लो क्या O3। आयोडीन लिया बेटा मैंने, यहाँ पे क्या लिया है आयोडीन, तो HIO3 बनेगा। ऑक्जो एसिड ऑफ आयोडीन, ये अपन 17 ग्रुप में भी पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? 17 ग्रुप में भी पढ़ेंगे बच्चों, और साथ में आप O2 भी बना दो, ठीक है? साथ में बच्चों आप लोग O2 भी बना दो। चलो एक रिएक्शन और लिख लो बेटा, ये लेड सल्फेट को, किसको बेटा, ये लेड सल्फेट जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है PbS प्लस O3, PbSO4 लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है बेटा ये किसको, लेड सल्फाइड को, इसको बोलेंगे लेड सल्फाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे लेड सल्फाइड ऑक्सीडेशन। सब लोग समझते हो क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है, तो ये PbSO4 बनाएगा बेटा, और साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो कुछ ये सीन क्रिएट हो जाएगा बेटा, PbSO4 फोर और टू, ठीक है, समझ गए? तो ये आपका आयोडीन का कुछ इम्पोर्टेंट, ओजोन की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। लिखो, वाई सुपरसोनिक जेट
वाई सुपरसोनिक जेट डेप्लीकेट 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 मतलब डीकम्पोज करना, बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी पेपर में पूछा हुआ है, वाई सुपरसोनिक जेट या डेप्लीकेट डीकम्पोज द ओजोन लेयर। बेटा ओजोन लेयर को सुपरसोनिक जेट कैसे डेप्लीकेट करते हैं, क्यों डेप्लीकेट करते हैं, ये वाई की जगह हाउ लिख लो, हाउ लिख लो, हाउ ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, कैसे डेप्लीकेट करते हैं। तो बच्चों सुपरसोनिक जेट समझते हो क्या, सब समझते होंगे बेटा, जैसे एरोप्लेन होता है वैसे ही साउंड की स्पीड से भी तेज चलने वाले जेट प्लेन होते हैं जो एयरफोर्स वगैरह यूज करते हैं। बेटा जेट प्लेन जो साउंड की स्पीड से भी तेज चलते हैं उनको हम सुपरसोनिक जेट बोलते हैं, और सुपरसोनिक जेट जो होते हैं बेटा हमारी ज़मीन से लगभग 15,000 मीटर हाइट पर चलते हैं, लगभग एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं वो लगभग 10,000 से 12,000 फीट की हाइट पे मूव करते हैं, लेकिन सुपरसोनिक जेट जो होते हैं हमारी जो सी लेवल होता है, ज़मीन का जो सी लेवल होता है उससे 15,000 मीटर की हाइट तक वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो सुपरसोनिक जेट से क्या होता है बेटा, एनओ निकलता है, क्या निकलता है, एनओ लिख लो आंसर। सुपरसोनिक जेट से क्या निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख लो। और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलेगा, सुपरसोनिक जेट से, और सुपरसोनिक जेट जो है ओजोन लेयर के अंदर मूव करता है, मतलब ओजोन लेयर आपकी जो लिथोस्फेयर जो है अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो अलग अलग एयर की लेयर होती है बच्चों, अलग अलग एयर की लेयर आपने पढ़ रखी होंगी छोटी क्लासों में, तो उनमें से एक लेयर होती है ओजोन लेयर, क्या होती है ओजोन लेयर, यस और नो। तो कहने का मतलब ये है कि एनओ जो सुपरसोनिक जेट से निकला नाइट्रोजन ऑक्साइड वो ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों और एनओ टू बना लेगा, क्या बना लेगा, एनओ टू, और साथ में क्या बनेगा बेटा, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि ले दे के सुपरसोनिक जेट ने ओ थ्री मतलब ओजोन लेयर की ऐसी की तैसी कर दी, क्या कर दी, ऐसी की तैसी। ये रीजन है कि ओजोन लेयर डेप्लीकेट हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, ओजोन लेयर डेप्लीकेट हो रही है, बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। दूसरी बात लिख लो, लिख लोगे ना, एनओ रिलीज बाय सुपरसोनिक जेट, ठीक है, एनओ जो है नाइट्रस ऑक्साइड, एनओ मतलब नहीं नहीं है ये, एनओ मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चा सुपरसोनिक जेट से निकलता है और ओजोन लेयर को डेप्लीकेट कर देता है, क्लियर। इसके अलावा बेटा ओजोन लेयर एस्टिमेशन में भी काम आता है, जब ओजोन की हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो मैंने रिएक्शन लिखी थी ऊपर, कौन सी रिएक्शन लिखी थी, ओजोन की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, वो बेटा एस्टिमेशन में भी काम आती है, किस में काम आती है, एस्टिमेशन मतलब एस्टिमेट लगाने में काम आती है बेटा, क्लियर कर लेना उसको। चलो तो ये था बेटा आपका ओजोन वाला टॉपिक, किसका टॉपिक था, ओजोन वाला टॉपिक था, और किससे डेप्लीकेट होती है, ओजोन लेयर डेप्लीकेट बाय सीएफसी, बच्चों क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन से भी ओजोन लेयर डेप्लीकेट होती है बेटा, इसका दूसरा नाम फ्रियोन भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रियोन, एफ आर ई ओ एन फ्रियोन, ठीक है, एफ आर आई ई ओ एन कर लेना, एफ आर ई ओ एन, एफ आर ई ओ एन फ्रियोन्स, इसका इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा। फ्रियोन क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन को फ्रियोन बोलते हैं, मतलब इसमें क्लोरीन होगा, कार्बन होगा और फ्लोरीन होगा,
क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की क्वांटिटी के हिसाब से बेटा हम इसको बोल देते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जैसे CCl2F2, CCl2F2, इसको हम बोलेंगे बेटा फ्रियोन 012, इसको बेटा फ्रियोन 12 बोलते हैं हम। ये नाम दीपक योगी सर, आई एम न्यू, विच चैप्टर इज गुड? दीपक योगी बेटा 7 चैप्टर चल रहा है, नया कहाँ है, तो पुराना है, पिछले साल से पढ़ तो रहा है। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या चल रहा है? पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट में 16 ग्रुप चल रहे हैं, लंबा चैप्टर है। ऑफलाइन क्लासेज में भी 20 से 22 दिन चलता है बच्चों ये, ऑनलाइन क्लासेज में तो महीने भर भी चल सकता है, क्यों? क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें 5-7 मिनट वैसे लग जाती हैं, समझ रहे बच्चों? लेकिन ऑलमोस्ट हमने 70% चैप्टर कर लिया बेटा। पी ब्लॉक चल रहा है, आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 190 के आसपास देखो ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है बेटा? चलो तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बात करेंगे एलोट्रोप ऑफ सल्फर, लिख लो बेटा दो। चलो अब सल्फर पढ़ेंगे बेटा हम, ऑक्सीजन वाला चैप्टर टॉपिक कंप्लीट, अब सल्फर पढ़ेंगे। मैं बार बार ये बोलता हूँ बच्चों क्लास में कि थोड़ा सा घर पे पढ़ के आया करो, यदि तुम लोग घर से पढ़ोगे तो थोड़ा सा घर पे पढ़ लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा बेटा। अब हम बात करेंगे एलोट्रोप, एलोट्रोप ऑफ सल्फर। सल्फर के कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं? तो बेटा एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर की बात करें तो सल्फर के आपकी बुक में दो एलोट्रोप दे रखे हैं, एक S6 और एक S8। यस और नो? आपकी बुक में सल्फर के दो एलोट्रोप दे रखे हैं बेटा, S6 और S8, लिख लो। सल्फर हैव मैनी एलोट्रोप्स, सल्फर हैव मैनी एलोट्रोप्स। बच्चों सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, बट रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, बच्चों रोम्बिक सल्फर जो होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्फा। रोम्बिक जो सल्फर होता है उसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा सल्फर। येलो रोम्बिक कर लो, ये येलो कलर में होता है। और दूसरा है बेटा मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर बोलते हैं इसको। बच्चों जैसे आपने कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े होंगे बेटा, 15 डेट से स्कूल ओपन होंगी, इसका मेरे को अभी आइडिया नहीं है बेटा, ठीक है? न्यूज़पेपर वगैरह में क्या आ रहा है आप लोग एक बार देख लो, होंगी तो आपको मैसेज कर देंगे। हम सब चाहते हैं कि स्कूल ओपन हो, हम लोग फेस टू फेस मिलें, ऑनलाइन में इतना इंट्रैक्शन नहीं हो पाता जितना इंट्रैक्शन बच्चों ऑफलाइन में होता है, आप भी समझते हो। तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है बेटा उसको हम बीटा सल्फर बोलते हैं बेटा, और बीटा सल्फर जो है और अल्फा सल्फर जो है बच्चों वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है? मतलब रोम्बिक सल्फर जो होता है, लिख लो, रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट हो सकता है मोनोक्लिनिक सल्फर में, बच्चों रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग टेम्परेचर करते हैं 369 केल्विन, मोर देन 369 केल्विन, 369 टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग करते हैं
टेम्परेचर इज मोर देन, कर लो, टेम्परेचर मोर देन 369, तो मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक सल्फर में या रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर का ये सीन होता है। अब देखो बेटा, अब आपके यहाँ पे दो दे रखे हैं सल्फर, एक S6 और एक S8। क्या दे रखा है? S6 और S8। ठीक है, लिख लो, मिटा दूँ? थ्योरेटिकली पढ़ लेना बेटा इसको। मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं बेटा, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। और रोम्बिक सल्फर बच्चों रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है बच्चा, रोम्बिक सल्फर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है बेटा। लिखो S8, एक सल्फर होता है जिसको हम S8 फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, रोम्बिक सल्फर के फॉर्म है ये। किसके हैं? रोम्बिक सल्फर के। ये क्राउन शेप में होता है, किस शेप में होता है? क्राउन शेप में, कुछ यूं। इसकी कुछ शेप ये होती है बेटा। तो बच्चों इसको डब्लू शेप भी बोल सकते हो आप। आपको मैंने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ा रखी हैं बेटा, इसको आप डब्लू शेप भी बोल सकते हो, क्राउन शेप भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे हर जगह सल्फर के एटम पड़े हुए हैं बेटा। क्या पड़ा हुआ है? सल्फर। जहाँ पे ये बैंड नज़र आ रहा है वहाँ पे सल्फर आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है बच्चों? सल्फर। बात समझ में आती है? हाँ, आपके राजस्थान बोर्ड ने ये स्ट्रक्चर कई बार पूछी हुई है, तो बेटा सिलेबस NCERT का लागू हुआ है, कोई इशू नहीं है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें भी लगभग यही सिलेबस था, कुछ टॉपिक्स चेंज किए हैं, बाकी डिक्टो सिलेबस है बस। अब NCERT आप पढ़ रहे हो तो पेपर का पैटर्न पुराने जैसा रहेगा, ये मत सोचना कि पेपर का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो बेटा राजस्थान बोर्ड ने S8 के स्ट्रक्चर पूछी हुई है, तो बेटा यहाँ पे जो बोंड एंगल होगा वो होगा 107 डिग्री का। लिख लो, ये जो बोंड एंगल है ये है 107 डिग्री, 107। क्लियर बच्चों? तो ये जो बोंड एंगल है बेटा वो 107 डिग्री का है। और एक स्ट्रक्चर होता है S6। क्या होता है? S6। ठीक है बच्चों, एक स्ट्रक्चर क्या है आपका? S6 है, कुछ इस तरीके से होता है ये आपका S6 स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा यहाँ पे भी सल्फर के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, सल्फर मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं बच्चों यहाँ पे, सॉरी सल्फर के एटम। ये बेटा आपका S6 स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चों? S6। इसको हम चेयर फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेयर फॉर्म। कौन सी चेयर? जो आप लोगों ने बीचेज वगैरह पे देखी होंगी। किस पे देखी होंगी? बीचेज वगैरह पे देखी होंगी। बेटा यहाँ पे जो बोंड एंगल होता है वो होता है 102.2 डिग्री का, 102.2 डिग्री का बच्चों बोंड एंगल होता है। और ये स्ट्रक्चर होती है बेटा S6 की। किसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों? S6 की। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो S6 और S8 सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, जो आपके सिलेबस में। वैसे सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा क्लास 5-7 मिनट लेट हुआ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कोई इश्यू नहीं है। तो आप लोग जितना मैंने पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी बात कल करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।